टुडे इज अवर डाउट सेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। ओके, तो हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं इस क्वेश्चन से कि हाउ वी कैन सॉल्व इट। उसने कहा है कि जस्ट सिंप्लीफाई कीजिए इसको, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चे बड़ा सिंपल सा टॉपिक है कि दिस इज ए, दिस इज बी एंड इट बिकम्स ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो इसको ओपन करते हैं, एम स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू एम होल स्क्वायर माइनस टू एम स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू एम। ओके, तो चेक कीजिए बच्चे, इट बिकम्स एम पावर फोर, दिस बिकम्स एन पावर फोर एम स्क्वायर माइनस इट बिकम्स टू एम क्यूब एन स्क्वायर। और एक चीज और नोट कीजिए, ये लास्ट में एक टर्म ऑलरेडी आपके पास आ रही थी, टू एम क्यूब एन स्क्वायर प्लस टू एम क्यूब एन स्क्वायर। तो वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, एम पावर फोर एन पावर फोर एम स्क्वायर। गॉट इट। हमने जस्ट सिंपल सा उसको क्या किया, आगे फॉर्मेट किया एंड वी गेट द आंसर। सिंपल सी बात है इसमें। यस खुशी, नहीं बच्चे, वो क्वेश्चन में पता क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। इसको जब हम एक्सपेंड करते हैं तो वो ऐसे ही आता है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो मैंने वही लिखा है, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यस सियाल, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मुझे पूछना था, यहाँ पे आपने एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एम लिखा, तो वो एन एम होल स्क्वायर नहीं होना चाहिए था? किसका सर? क्वेश्चन में मतलब वो बी में पूरा होल होना चाहिए था, तभी तो हम पढ़ सकते थे ऐसे। तो होल ही लिखा है बच्चे, एन स्क्वायर एम का, ये देखो होल स्क्वायर लिखा हुआ ऊपर। नहीं सर, मैं बोल रहा था क्वेश्चन में एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एम होल स्क्वायर है ना सर, मैं बोल रहा था कि होल स्क्वायर के अंदर ये माइनस एम होल स्क्वायर के ऊपर और एक होल स्क्वायर, ऐसे नहीं हो सकता? नहीं बच्चे, इसको हमने टोटल ए रखा, दिस इज बी, तो इसको जब ओपन करेंगे तो ऐसे ही होगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ओके सर। सर हाँ, मुझे और एक चीज पूछनी थी, और यहाँ पे है लास्ट वाले स्टेप में, मतलब आंसर आने के एक स्टेप में वहाँ पे लिखा है एक एम पावर फोर प्लस एन पावर फोर एम स्क्वायर सर, तो वो एम फोर और एम स्क्वायर एड नहीं हो सकते? नहीं बच्चे, ये डिफरेंट टर्म्स है, कैसे ऐड होंगे? ये दोनों लाइक टर्म थोड़ा ही है, ये दोनों डिफरेंट टर्म्स है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो ऐड हम जस्ट उन्हीं को करते हैं जो लाइक टर्म्स होते हैं, तो ये लाइक टर्म्स नहीं है, तो वी कैन नॉट ऐड दैट। यस अनुराग। सर गुड इवनिंग। सर गुड इवनिंग। सर यहाँ पर जो आपने यहाँ पर लगाया है माइनस टू और फिर यहाँ पर एम स्क्वायर से, तो आपने सर माइनस टू एम क्यूब क्यों लिखा है सर? बच्चे ये देखो, ये एम स्क्वायर है ना? यस सर। एक मिनट, अभी मैं दिखाता हूँ, ये एम स्क्वायर जब इस एम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एम क्यूब भी बनेगा बच्चे। सर अच्छा, आपने सर डायरेक्टली कर दिया सर इसे। यस सर। ठीक है, तो ये एम स्क्वायर सर, लेकिन अगर हम इसे स्टेप्स में करेंगे सर तो वो एम स्क्वायर ही रहेगा ना? नहीं बच्चे, क्यों स्टेप्स में करें, कैसे भी कर लो, मल्टीप्लाई करोगे। देखो जब आपके पास ये टर्म्स है, जब आपके पास ये टर्म्स है एम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर एम, तो जब आप इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये एम क्यूब इंटू एन स्क्वायर ही आएगा, और क्या आएगा? यस सर। ओके, लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज 4pq। चलिए बच्चे रेडी हो जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। 4pq प्लस 3q होल स्क्वायर, नोट कीजिए ये होल स्क्वायर हो गया, माइनस 4pq माइनस 3q होल स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू 48
पी क्यू स्क्वायर। ओके, फिर से अब आप सबके लिए एक क्वेश्चन है, इसमें ध्यान से देखिएगा हाउ वी कैन ट्रीट इट। दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी। तो आप यहां से शुरू करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक। ये ए प्लस बी है, ये ए माइनस बी है, तो इसको इस तरह से शुरू किया जाएगा बच्चे, फोर पी क्यू होल स्क्वायर प्लस थ्री क्यू होल स्क्वायर। नेक्स्ट आ जाइए प्लस टू टाइम्स फोर पी क्यू इंटू थ्री क्यू। अब सारे बच्चे इसको देख लेंगे क्या किया मैंने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब बीच में माइनस का साइन लगेगा। नाउ इसको सॉल्व कीजिए तो इट बिकम्स फोर पी क्यू होल स्क्वायर प्लस थ्री क्यू होल स्क्वायर माइनस टू टाइम्स फोर पी क्यू एंड थ्री क्यू। हमने जस्ट फार्मूलाज ओपन किए हैं ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अब अभी शुरू करेंगे हम इसको, लेफ्ट को राइट के इक्वल करना है। चेक कीजिए बच्चे, फोर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इट विल कम एज 16 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9 क्यू स्क्वायर। और यहां पे सॉल्व कीजिए, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24 पी क्यू स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर, ओके। अच्छा अब नेक्स्ट देखिए बच्चे, इन बिटवीन किस चीज का साइन है, नेगेटिव। फोर पी स्क्वायर, फोर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर मीन्स फोर का स्क्वायर 16 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, 9 क्यू स्क्वायर माइनस 24, ये वाली लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए तो इट बिकम्स 4 पी क्यू स्क्वायर। और आपका क्वेश्चन बचे हो गया 16 एंड 16 कैंसल, बिकॉज ये पॉजिटिव का है ये नेगेटिव का हो जाएगा। 9 क्यू स्क्वायर, 9 क्यू स्क्वायर, बिकॉज ये पॉजिटिव का है ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव का। अच्छा अगर किसी को ऐसे समझ नहीं लग रहा तो ऐसे भी कर सकते हैं हम इसको, देखिए इन द नेक्स्ट स्टेप वी कैन राइट इट एज 16 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू स्क्वायर प्लस 24 पी क्यू स्क्वायर माइनस 16 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 9 क्यू स्क्वायर एंड प्लस 24 पी क्यू स्क्वायर। और चेक कीजिए बच्चे, ये आपके पास क्वेश्चन क्या हो गया, 16 एंड 16 कैंसल, 9 एंड 9 कैंसल, 24 पी क्यू स्क्वायर 24 पी क्यू स्क्वायर, तो इट बिकम्स 48 पी क्यू स्क्वायर, और विच इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। गॉट इट, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने में टाइम लगेगा। हाँ यस तमन्ना सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, आप डिवीजन मेथड का एक बार फिर से बता देंगे? कौन से मेथड का, डिवीजन? डिवीजन डिवीजन तो मैंने अभी करवाई नहीं बच्चे, करवाई नहीं एक्चुअली सर, मैंने लास्ट क्लास मिस कर दी थी और मुझे लगा आपको करवाई होगी। नहीं नहीं नहीं, अच्छा टेल मी इसमें डिवीजन है सर, आपने कहा था आप करवाओगे। हाँ वो करवाऊंगा जरूर, बट इस चैप्टर में नहीं है ना। यस जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, आपने कौन सी आइडेंटिटी लगाई है? देखो हियर इज
ए प्लस बी होल स्क्वायर, हेयर इज ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। सिंप्लीफाई किया, सेम टर्म्स को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, ओके यस सर, और लाइक टर्म्स को एड सब्ट्रैक्ट किया एंड अल्टीमेटली एट द एंड वी गॉट दिस रिस्पॉन्स। ओके नाउ आई अंडरस्टैंड। ओके दीपक सर, सर ये माइनस नाइन क्यू स्क्वायर सर ये कैसे आया था? बच्चे ये देखो, जब आप थ्री क्यू स्क्वायर करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, नाइन क्यू स्क्वायर आएगा। अब देखो यहाँ इसके फ्रंट पे इफ यू विल चेक, यहाँ पे नेगेटिव साइन, जब आप इसको अंदर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस सिक्सटीन माइनस नाइन, और ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस। जैद खान यस सर, सर आपने जो आइडेंटिटी बताई उसके सर कोई नाम होता है कि सर आइडेंटिटी का नाम नहीं होता, सिर्फ फॉर्मूला होता है? नहीं बच्चे, आइडेंटिटी होती है, तीन आइडेंटिटी हमने इतना एलेबोरेट तो किया है, आपने स्टैंडर्ड थ्री आइडेंटिटीज स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज किया, उनको आइडेंटिटीज ही बोलते हैं, दैट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ये तीनों आइडेंटिटीज है जिनको हम सॉल्व करते हैं। ओके सर, थैंक यू। ओके अब एक चीज और देखिए बच्चे, आपकी बुक में एक और क्वेश्चन है, जैसे a माइनस बी ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस ए प्लस बी एंड a माइनस बी प्लस ए बी, ही सेड सॉल्व इट। ठीक, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने मल्टीप्लीकेशन पे फोकस कर, ठीक कैसे फोकस करेंगे चेक इट। देखिए सबसे पहले दिस ए कैन बी मल्टीप्लाइड विद ऑल द थ्री टर्म्स, तो जब हम इन थ्री टर्म्स के साथ ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर बी। प्लीज चेक कीजिए, मैंने क्या कहा, इस ए को मल्टीप्लाई कीजिए इन तीनों के साथ। Now, next is minus b can be multiplied with this factor. तो क्या होगा बच्चे, minus ba, minus b square and plus ab square. किसी को ये डाउट तो नहीं मैंने कैसे कर दिया, first multiplied with first, second multiplied with second. Okay, plus minus का ख्याल रखिएगा कि प्लस माइनस कैसे कर। अब आइए द नेक्स्ट वन, दिस ए कैन बी मल्टीप्लाइड विद दिस टोटल, तो क्या हो जाएगा बच्चे, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी। ओके देखिए बस बच्चे सिंपल सा है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे साइन पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे साइन नेगेटिव आएगा, नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे अगेन साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। बस ये ख्याल रखो, देखो ए ए विद ए पॉजिटिव, ए विद माइनस बी माइनस ए बी, ए विद ए बी ए स्क्वायर प्लस। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज प्लस बी, देखिए बी को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स बी ए, बी को नेक्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी स्क्वायर, बी को नेक्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे इट बिकम्स ए बी स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मल्टीप्लाई करना है, हमने मल्टीप्लाई कर लिया, नाउ चेक द टर्म्स विच कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, जिनको हम ऐड कर सकते हैं। देखिए हेयर इज ए स्क्वायर एंड हेयर इज अगेन ए स्क्वायर, दे आर लाइक टर्म्स, तो वी कैन राइट इट एज टू ए स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, here is ab positive, here is minus ab, like terms but different sign, cancelled each other. next dekhiye bache, here is
ए स्क्वायर बी माइनस एंड ए स्क्वायर बी प्लस दे विल कैंसिल ईच अदर. ओके नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट. हेयर इज माइनस बी ए नेगेटिव, हेयर इज प्लस बी ए पॉजिटिव, कैंसल्ड. चेक कीजिए माइनस बी स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर, इट बिकम्स माइनस टू बी स्क्वायर. नेक्स्ट चेक कीजिए ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, इट बिकम्स टू ए बी स्क्वायर. तो ये आपके क्वेश्चन का क्या हो गया बच्चे? आंसर हो गया. गॉट इट? तो जस्ट क्या थी, एक सिंपल सी मल्टीप्लीकेशन थी जिसको आपने इस तरह से क्या करना था, डिफाइन करना था. इसी को हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज और एक्सप्रेशंस के नाम से जानते हैं. अब थोड़े से और क्वेश्चन देखेंगे हम इसमें, ठीक, कि ये किस तरह से आपके पास बन रहा है. यस निम. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग सर. मेरा ये डाउट था कि अभी तो हम स्टैंडर्ड आइडेंटिटी से इसका सॉल्व कर रहे हैं, तो क्वेश्चन में आपने वो भी बताया था यूजफुल आइडेंटिटीज और स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, तो उसका हम वो फाइंड करेंगे कि कौन सा आइडेंटिटीज का यूज करके सॉल्व करें. हाँ बच्चे, अगर आपको लगे कि वो स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है तो यू कैन यूज स्टैंडर्ड आइडेंटिटी, और अगर आपको लगे कि कुछ भी नहीं दिया उसने और आपको जस्ट सॉल्व करना है तो आप उसको सिंपली अब देखो कहां से बनती है आइडेंटिटीज. इफ सपोज दैट आपको ये दिया गया कि ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो व्हेन यू आर यूजिंग द आइडेंटिटी यू कैन डायरेक्टली राइट इट एज ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. और अगर वो स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज नहीं है तो आप उसको ऐसे भी कर सकते हैं, ए प्लस बी ए प्लस बी. तो हमारे पास ये वैल्यूज क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, इट बिकम्स ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए एंड प्लस बी स्क्वायर. तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. बात तो सेम ही हुई ना. बिल्कुल कर सकते हैं, करेंगे. अगर सेम होगा तो हम आइडेंटिटीज के साथ जाएंगे. और मैं ये कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि आपने आइडेंटिटीज के साथ ही जाना है. अगर आपको लगता है कि नहीं आइडेंटिटीज के साथ नहीं, आप सिंपल करना चाहते हैं, तो आप सिंपल भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. ओके. अब इसमें कुछ और क्वेश्चन देखिए बच्चे. आप सभी के लिए एक क्वेश्चन बना रहा हूं एंड टेल मी हाउ यू विल सॉल्व इट. 67 इंटू 73, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है विद द यूज ऑफ स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज. हाउ वी विल सॉल्व इट, कोई भी बताइए आपने. Yes, Arjun. Sir, by using a minus b and multiplied by a plus b. कैसे बच्चे? Sir, हम 67 को 70 minus 3 और 73 को 70 plus 3 कर सकते हैं. Very good. इसको क्या लिख सकते हैं? 70 plus 3 लिख सकते हैं. Okay, so this is a minus b, this is a plus b. So it can be written as a square minus b square, which is equal to 4900 minus 9. तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 489. Very good. अच्छा, इसका एक और तरीका बताऊं, सिंपल सा. देखिए सबसे पहले ना इनका एवरेज कर लो. 67 प्लस 73 डिवाइडेड बाय 2, तो इट बिकम्स 140 अपॉन 2. ये क्या आ जाएगा, 70. तो आपको पता चल जाएगा किसके साथ क्या प्लस करना है. तो यू विल राइट इट एज 70 माइनस 3, दिस वन एज 70 प्लस 3.
कोई डाउट नहीं होगा आपके पास। जल्दी से मेरे को इसका आंसर दीजिए। 68 मल्टीप्लाइड बाई 72 बाई द सेम प्रॉपर्टी। वेरी गुड। व्हाट इज द ओवरऑल आंसर? यस, बच्चे वेरी गुड। इट कैन बी रिटन एज 70 माइनस 2 इनटू 70 प्लस 2। ओके, तो इट बिकम्स 49 माइनस 4। तो आप इसको सॉल्व कर देंगे एंड यू विल गेट द आंसर। चलिए अब थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस, लेंथी वाले क्वेश्चंस करते हैं। जैसे क्वेश्चन देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। How we will solve it? देखिए आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी। बट देखो डायरेक्टली पहले मैं बता रहा हूं, मान लीजिए आपको बिल्कुल नहीं आता क्वेश्चन तो हम कैसे करें? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मल्टीप्लाई दिस एक्स स्क्वायर विद होल, देन एक्स विद होल, देन 1 विद होल। तो पहले तो मैं डायरेक्ट करके दिखा रहा हूं आपको। ओके, तो एक्स स्क्वायर विद एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है बच्चे, एक्स स्क्वायर विद टोटल प्लस एक्स विद टोटल प्लस 1 विद टोटल। ओके, तो व्हाट कम्स? एक्स स्क्वायर इनटू दैट एक्स पावर 4, एक्स स्क्वायर इनटू दैट माइनस एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इनटू दैट प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट आइए, एक्स इनटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। 1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो चेक कीजिए व्हाट कम्स हियर। अब आपने देखना है किन किन की कैंसलेशन होगी। एक्स क्यूब नेगेटिव, एक्स क्यूब पॉजिटिव कैंसल्ड, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर नेगेटिव कैंसल्ड, एक्स पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव कैंसल्ड। व्हाट लेफ्ट? एक्स पावर 4, एक्स स्क्वायर प्लस 1। दिस इज योर आंसर बाय सिंपल मल्टीप्लीकेशन। गॉट इट? अब इसका एक और मेथड करते हैं बच्चे। अगर हमने इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे? तो चेक इट विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी। तो वी कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। ठीक, तो हम आगे कैसे जाएंगे बच्चे? तो दिस इज, चेक कीजिए, ये आपके पास ए है, दिस इज बी, सेम ए एंड सेम बी। ओके, तो वी कैन राइट इट एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ये फॉर्मूला हो गया ना, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो अब अगर हम इसको आगे लेके जाएंगे तो इट कैन बी रिटन एज
एक्स पावर फोर प्लस वन प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और अल्टीमेटली ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर से सेम आंसर आया। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि यू आर यूजिंग द आइडेंटिटी और यू आर जस्ट सिंप्लीफाइंग द क्वेश्चंस। ओके, तो आप इसको किसी तरह से भी जा सकते सॉल्व कर सकते। यस नीतिका, तो मुझे ये पूछना था, जैसे आपने यहाँ पे लिखा आंसर में x raised to power 4 plus 1 plus x square, तो x square कटा नहीं ऊपर वाले क्वेश्चन में, आपने यहाँ पे x cube minus x cube और plus x cube को आपने काटा, फिर आपने प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर को काटा, फिर आपने वहां पे सर प्लस एक्स के बाद प्लस एक्स स्क्वायर भी जोड़ा सर वहां पे। बच्चे ध्यान से देखिए, ये x की पावर 4 लेफ्ट ओवर है ना, ये x square left over है, ये 1 left over है, ये किसी के साथ नहीं कटा, तो हमने इसको as answer लिख दिया। अब देखिए ये वाला x square positive negative के साथ cancel हो गया, x cube के साथ cancel हो गया। और मुझे ये पूछना है जो plus x को plus square बचा है plus x square, वो क्यों नहीं cancel हुआ दूसरे x square? उसको cancel करने के लिए साथ में कोई term ही नहीं है negative वाली, अगर कोई और माइनस एक्स स्क्वायर होता तो ये भी कैंसिल हो जाता, अब अगर कुछ नहीं है तो दैट रिमेन्स अवर आंसर। ओके यशवी, शालिन सर ये जो आंसर है एक्स फोर एक्स फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसमें ये एक्स फोर और ये एक्स टू मिल नहीं जाएंगे? नहीं बच्चे, कैसे मिलेंगे, ये लाइक टर्म थोड़ा ही है। ये लाइक टर्म नहीं है, ये एज इट इज ही रहेंगे। एड और सब्ट्रैक्ट कौन सी टर्म्स होती हैं, जो लाइक टर्म्स होती हैं, दे आर नॉट लाइक टर्म्स। Sir, yes, I also no. wanted to ask the same thing, sir. Why wouldn't x to the power of 4 and x square add up? अच्छा, आपने पहले कभी add किया है बच्चे? Can we add these terms, x power 4 and x square? Can we add up these terms? Yes, देखो, these are not like terms. Here is x power 4 and here is x square. You cannot add them. Okay, sir. Okay, for addition you should need a like terms. Ye like terms nahi hai. Haan, if it is x square and x square, ab aap inko add kar sakte. Agar ye x square plus x square hota, to aap inko kya kar sakte the? Add kar sakte. Okay, but ab inko nahi add kar sakte aap. Okay, now we come to the next questions. He said x plus 2, x minus 2 and x square plus 4. He said simplify these terms. हमें इनको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। चलिए कैसे करें, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज ए दिस इज बी ए माइनस बी, तो वी कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड हेयर इज एक्स स्क्वायर
प्लस फोर। इसको बच्चे एक बार फिर से चेक कीजिए, दिस इज ए माइनस बी ए प्लस बी। तो आप इसको नेक्स्ट स्टेप में कैसे लिख सकते हैं, तो आप इनको नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस फोर होल स्क्वायर। ओके हाँ, तो अब आपके पास ये वैल्यूज क्या हो जाएगी बच्चे, एक्स पावर फोर माइनस सिक्सटीन, कईयों ने प्लस सिक्सटीन निकाल दिया, ये एक्स स्क्वायर एंड क्या हो जाएगा माइनस सिक्सटीन। यस रुद्रा, यस बच्चे यस शिवम, हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर कैसे आया? हाँ चेक करो बच्चे, दिस इज ए ना, या ए माइनस बी, दिस इज ए प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a का स्क्वायर, दैट्स व्हाई कम एज अ स्क्वायर। यस सर, मैं डाउट पूछूं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर यहाँ पर यहाँ जो फर्स्ट वाला जो इसमें एक्सप्रेशन में है कि x प्लस टू और इनटू x माइनस टू, सर यहाँ पर टू और टू मल्टीप्लाई हुआ है, सर यहाँ पर प्लस है वहां पर माइनस है, सर नीचे के माइनस होगा ना बच्चे? आप इस क्वेश्चन को पूछ रहे हो कि x प्लस टू को जब मैं x माइनस टू के साथ मल्टीप्लाई करूंगा? यस सर। तो ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला है बच्चे, a प्लस बी a माइनस बी, तो इसको तो आप ऐसे लिखोगे ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस। ओके सर। अच्छा अगर आप मल्टीप्लाई भी करोगे तो भी सेम क्वेश्चन ही आएगा, नॉट अ डिफरेंट वन, सेम क्वेश्चन आएगा। ओके सर। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट आने का तो कोई मतलब ही नहीं। यस अनुराग। यस सर, मुझे इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में सर डाउट है सर। बोलिए सर। और ऊपर सर? सर इससे भी ऊपर है सर। अच्छा सर, ये जो आपने इधर 68 into 72 लिखा है सर, सर हम इसे एक और आइडेंटिटी से कर सकते थे सर। कौन सी? सर सर वो x प्लस बी वाली सर। कैसे? सर x प्लस a into x प्लस b सर। तो इसको x प्लस a में कैसे लिखते बताओ सर? तो हम इसको 70 माइनस 2 कर देते हैं इनटू 70 प्लस 2 सर, तो okay. 70 स्क्वायर हो जाता सर। ओके फिर सर तो इसे ही हो जाएगा सर, x 70 x स्क्वायर सर, फिर माइनस सर फिर 2 सर 2 इनटू 2 इनटू 70 सर। तो आपने किया हुआ है इसको किसी और आइडेंटिटी से? नहीं सर, सर मैं पूछा सर इस आइडेंटिटी से भी कर सकते थे ना सर। बच्चे मैं आपको कह रहा हूं कि द सिंपलेस्ट वन इज a माइनस बी एंड ए प्लस बी, सेम टर्म्स है ना? यस सर। तो फिर आप डिफिकल्ट वन में क्यों जा रहे हो? यस सर। जब आपको पता है कि ये इजी वाली इस पे अप्लाई हो रही है तो आप, अच्छा अगर आप इसमें जाएंगे, बिल्कुल मैं आपकी बात मानता हूं कि आप इसको ऐसा लिखना चाहते हैं एक्स माइनस ए एंड एक्स प्लस बी, चलिए आपकी बात मानता हूं, ठीक है? तो फिर ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए बी प्लस एक्स एंड आगे क्या होगा माइनस ए बी, और आप यहीं पे वापस आ जाएंगे इसी आइडेंटिटी पे, चेक कर लीजिए। यस सर।
ओके, तो उसमें हमें कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं है, तो इसलिए हम उसमें नहीं जा रहे, तो हम यहाँ पे सिंपल टर्म के साथ रहे। ओके, अब नेक्स्ट आइए बच्चे, इसी में थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं कि किस तरह से हम इनको नेक्स्ट पार्ट में लेते हैं या किस तरह से इनके नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। तो नाउ आई स्टार्टिंग विद सम मोर क्वेश्चंस ऑफ दिस काइंड। ओके, जैसे टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टू ए एक्स, यू हैव अ रेक्टेंगल, इट्स लेंथ इज 2ax, इट्स ब्रेथ इज 2bx. नाउ टेल मी द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। योर ऑप्शंस आर 4abx, b 4abx स्क्वायर, c abx स्क्वायर, d माइनस 4abx स्क्वायर। अभी आपके पास पोल आएगा, टेल मी द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। वेरी गुड, बहुत अच्छे, मजा आ गया आपके आंसर देख के। ओके, आई एम शोइंग यू द रिजल्ट, चेक इट कीजिए। सेवेंटी नाइन परसेंट कैंडिडेट ने इसको सही किया है। एंड व्हाट इज द आंसर? टू ए एक्स इंटू टू बी एक्स, टू इंटू टू फोर, ए इंटू बी ए बी, एंड एक्स इंटू एक्स, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, तो बिल्कुल इसी तरह का एक और क्वेश्चन आते हैं हम। यस श्रेया। सो आई हैव अ डाउट इन क्वेश्चन बिफोर दिस, तो इससे भी रुको। सो इन दिस वन, in this one sir, where did we get 2x square? Bolo bache. Sir, I want to know from where did we get 2x square? Achha, a plus b whole square. Isko jab open karoge to kya aega? A square plus b square plus 2ab nahi aata bache? Yes sir. अब देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए बी, तो इट बिकम्स एक्स पावर फोर प्लस वन प्लस टू एक्स स्क्वायर। यहां से आया ही। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो वी विल डेफिनेटली गेट दिस पोजीशंस। ओके सर। ओके, नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। और नेक्स्ट पार्ट में बच्चे हमारे पास ये था कि हम इसको किस फॉर्मेशन के साथ क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब आप सबके लिए एक और क्वेश्चन, आई होप कि आप सब इसको बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करेंगे और सॉल्व भी करेंगे। ओके, एंड माय क्वेश्चन इज,
इफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू फोर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। और आपके ऑप्शंस हैं 16, 14, 20, 25, एंड दिस इज द पोल। फिल कीजिए। ओके पहले इस क्वेश्चन समझ लीजिए बच्चे। वी हैव एक्स प्लस वन अपॉन एक्स होल स्क्वायर, हम इसको ओपन करते हैं, आप ऑप्शन लगाते जाइए, तो इट विल कम एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए इंटू बी। ओके नाउ इट बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और एक्स को कैंसिल कीजिए, इट बिकम्स टू, एंड हेयर इज एक्स प्लस वन अपॉन एक्स होल स्क्वायर। चेक कीजिए बच्चे, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है, फोर, तो इसको हमने क्या कर दिया, फोर का स्क्वायर 16, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू। अब आप नोट कीजिए आपका आंसर क्या है, 16 माइनस टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। दैट मींस जो इसका रियल आंसर है वो है ऑप्शन बी 14, और सभी ने उठा के ए लगा दिया बिना सोचे कि फोर का स्क्वायर क्या होता है 16, इसलिए लगा दो। तो 17% कैंडिडेट ने बी लगाया है, यस लगन जी का। सर ये क्वेश्चन दोबारा समझा दीजिए। बस बच्चे मैंने ये देखो व्हाट आई हैव डन हियर, मैंने x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर ओपन किया, तो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी। ओके फिर ये क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन एंड टू, तो इसकी मैंने वैल्यू फिल कर दी बच्चे, इसकी वैल्यू कितनी है 16, ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन एंड टू, और सॉल्व करते हुए ले गए इसको 14 हो गया। जस्ट मैंने इस आइडेंटिटी का यूज किया है, इस आइडेंटिटी का डायरेक्टली नहीं करना, फर्स्ट यू शुड अप्लाई द आइडेंटिटी, फिर उसके बाद आपने इन क्वेश्चंस को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है कि क्या होगा। ओके
और इसी के साथ हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज का पार्ट क्या होता है ऑफिशियली क्लोज होता है।